नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से हम आ गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ। आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बाद अब ऑनलाइन घर खरीदने का बढ़ रहा है ट्रेंड। 3 दिनों में टाटा हाउसिंग ने ऑनलाइन बेचे हैं 50 से ज्यादा घर। रियल स्टेट सेक्टर में मोबाइल ऐप्स का चला जादू, लोगों की जेब में पहुंचा प्रॉपर्टी बाजार। घर खरीदने से पहले कुछ होमवर्क है बेहद जरूरी। ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है घर खरीदना। और NCR में प्लॉट के कई ऑप्शन, गाजियाबाद के NH24 पर प्लॉट में निवेश हो सकता है फायदेमंद। देश के दूसरे सेक्टर्स की तरह रियल स्टेट इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बदल रही है। अब लोग घर बैठे ही घर खरीदने लगे हैं। ऑनलाइन घर की बुकिंग 200% की दर से बढ़ रही है। हाल ही में टाटा हाउसिंग ने महज 3 से 4 दिनों में 50 से ज्यादा घर ऑनलाइन बेच दिए हैं। आज आपको हर चीज घर बैठे ही मिल जाती है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनके पास समय की कमी हो गई है। आज इंसान ज्यादातर जरूरी सामानों की शॉपिंग घर बैठे अपने कंप्यूटर और मोबाइल से ऑनलाइन ही कर सकते हैं। फिर चाहे वो कपड़े हो या जूते या इलेक्ट्रॉनिक आइटम या खाने का सामान। इससे भी आगे बढ़ते हुए अब ऑनलाइन घर खरीदने का ट्रेंड इस देश में शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में टाटा हाउसिंग के कई घर महज कुछ दिनों में ऑनलाइन बुक हो गए। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रियल स्टेट कंपनियां अपने ऑनलाइन साइट पर और अधिक ध्यान दे रही हैं। अपने साइट्स को आकर्षक बनाने के साथ ही सही जानकारी डाल रही हैं। पहली बात यह है कि जो हम जैसे हम लोग का पहला इंटरेक्शन किसी भी आउटसाइड कस्टमर से अपने वेबसाइट के थ्रू होता है, तो हम लोग अब बहुत सारे लोगों ने अपने वेबसाइट को बहुत इंटरेक्टिव बना दिया है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जब कस्टमर एक बार सर्वे करता है तो उसको नेट के ऊपर जाके बाय एंड लार्ज मार्केट का सर्वे हो जाता है, जो कि पहले उसको घूम घूम के करना पड़ता था। प्रॉपर्टी के जानकारों का मानना है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त समय का तकाजा है। इससे घर खरीदने वाले ग्राहकों के साथ साथ बिल्डरों को भी फायदा होता है, क्योंकि रियल स्टेट के ऑनलाइन होने के बाद अब ग्राहक सीधा कंपनी से डील कर सकेगा, जिससे बीच में दलाली खाने वाले लोगों का पैसा बचेगा, जो बिल्डर से प्रॉपर्टी को बिकवाने के नाम पर और ग्राहक से प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर पैसा खाते थे। रियल स्टेट के ऑनलाइन होने के बाद अब बिल्डर और बायर का ये पैसा बचेगा, जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ग्राहकों को होगा। एक जो मेजर वजह है वो कस्टमर चाहता है कि हम कंपनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहें और डायरेक्ट सब्सक्राइब करें। जब वर्ल्ड में हर चीज़ थ्रू इंटरनेट बिक रही है और बहुत महंगी चीज़ें बिक रही हैं, व्हाई नॉट होम्स आल्सो। ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदना लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। टाटा हाउसिंग के अनुसार ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों की दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको घर बैठे कुछ ही मिनटों में ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी का चयन कर सकते हैं। इससे पहले कोई अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती थी। लेकिन आज जमाना बदल गया है, इसलिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राजीव रंजन के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, News 24। तेजी से स्मार्ट होता जा रहा है रियल स्टेट सेक्टर। मोबाइल ऐप्स के जरिए आपके और हमारे पॉकेट में समा गया है रियल स्टेट सेक्टर। अब किसी प्रोजेक्ट की जानकारी लेना और उसे बुक करना हो गया है आपके बाएं हाथ का खेल। बस इसके लिए चाहिए एक स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट में पैसे। रियल स्टेट ऑनलाइन होने के साथ ही अब रियल स्टेट बाजार आपकी जेब में भी जा पहुंचा है। जी हाँ, अब आप अपने मोबाइल फोन पर भी रियल स्टेट से जुड़ी हर तरह की जानकारियां पा सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी से जुड़ी एक कंपनी PropTiger.com ने हाल ही में अपना एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब प्रॉपर्टी सर्च करना बेहद आसान हो जाएगा। अब आप कहीं भी किसी भी समय प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी जानकारी सिर्फ एक क्लिक से पा सकेंगे, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्मार्टफोन की, जिसके बाद आप अपने स्मार्टफोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। इस तरह के ऐप्स कॉमन फ्लोर, हाउसिंग इंडिया, रियल्टी बेरोन जैसी रियल स्टेट कंपनियों ने बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया है। जब इंटरनेट आना शुरू हुआ, इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो
कुछ पोर्टल्स डेवलप हुए जैसे magicbricks.com, 99acres.com, जिन्होंने प्रॉपर्टीज की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल पर डालनी शुरू करी। पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ना ही सिर्फ टीनेजर्स बल्कि मैच्योर लोग जो कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो भी स्मार्टफोन्स का यूसेज कर रहे हैं, तो इन सब पोर्टल्स ने अपने अपने ऐप डेवलप कर दिए। मैजिक ब्रेक्स हैं, 99acres हैं, मकान.com है, काफ़ी बिल्डर्स ने भी अपने ऐप बना दिए। तो आप अगर एक एरिया में अपनी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो आप उस ऐप के थ्रू जैसे ही उसमें जाके सर्च करेंगे, वो आपकी लोकेशन को टैग करते हुए वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके क्या रेट्स हैं, किस क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको सारी चीज़ें बता देता। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस तरह के ऐप्स में आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी। सबसे पहला फीचर है पैन इंडिया सर्च, जिससे आप घर बैठे बिल्डर, शहर और जगह के हिसाब से अपने लिए प्रॉपर्टी खोज सकते हैं। दूसरा फीचर है लोकेलिटी की जानकारी, जिसमें आपको उस एरिया की फोटो के साथ उस एरिया में प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, इससे जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। तीसरा फीचर है इंक्वायरी यानी जानकारी, जिससे आप कॉल या SMS की मदद से प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप बिल्डिंग का फ्लोर प्लान, प्रॉपर्टी का साइज, बजट, प्रोजेक्ट के लॉन्च होने की डेट और बिल्डर आपको पोजीशन कब तक देगा, ये सभी जानकारी इस ऐप से मिल सकती है। स्मार्टफोन का प्रचलन कुछ सालों से बड़ी तेजी से बढ़ा है, जिससे आज मनोरंजन से लेकर हेल्थ, गेम्स और एजुकेशन से जुड़ी बहुत सी जानकारियां आपको अपने मोबाइल फोन पर अलग अलग ऐप के जरिए आसानी से मिल जाती हैं। जानकारों का मानना है कि रियल स्टेट को भी स्मार्ट बनाना एक अच्छी पहल है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाना जितना आसान होगा, उतना ही ग्राहकों का भी रियल स्टेट में भरोसा बढ़ेगा। राजीव रंजन के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं केवी डेवलपर्स के डायरेक्टर अमन अग्रवाल। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू, और मैं प्रॉपर्टी 24 और न्यूज 24 का धन्यवाद करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले हमसे सवाल पूछ रहे हैं मनोज कुमार है गुड़गांव से। जी, क्या जानना चाहते हैं मनोज आप? मैं NCR में 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में निवेश करना चाहता हूं, मेरे लिए क्या ऑप्शन है बताइए। मनोज जी, पहले तो मैं कहूंगा आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसा आपका प्लॉट को खरीदने के संबंध में क्वेश्चन है, तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी NCR में प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं उनमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी फ्लैट्स की रहती है, बट जो आपका एक निवेश करने का सोच है प्लॉट में 100 स्क्वायर यार्ड के 150 स्क्वायर यार्ड के, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा एक सोच है दोनों ही पैरामीटर पर, चाहे उसको आप निवेश की दृष्टि से देख रहे हों या भविष्य में अपना मकान बनाने की उस पर प्लानिंग करें। उसके लिए आपको, अगर मैं एरियाज़ की बात करूँ, तो आप मानेश्वर, दारूहेड़ा, यमुना एक्सप्रेसवे, इन एरियाज़ की तरफ देखें। इन एरियाज़ में भी आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट एरियाज़ को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनको डेवलप होने में कितना समय लगेगा, कितना वहाँ से कनेक्टिविटी उन जगहों की है जिन जगहों का एक ज़रूरत होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप होने के लिए। इसके साथ ही साथ आपको अपना डिसीजन लेते समय मेरे ख्याल से और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो ये तो एरिया की बात अभी तक हमने की, बट जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो सारी एमिनिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। इसकी ज़रूरत आपको दोनों ही मापदंडों पर देखने की है, अगर आप निवेश की दृष्टि से देख रहे हैं तो भी, और अगर फर्दर यूज़ के प्लानिंग से देख रहे हैं तो भी। तो उम्मीद करते हैं मनोज जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं पंकज रस्तोगी हैं भटिंडा से। जी, क्या जानना चाहते हैं पंकज आप? मैं 3BHK फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बेस्ट लोकेशन दिल्ली NCR में, बेस्ट लोकेशन बताइए क्या होगी और 5 से 7 साल में मुझे अच्छा रिटर्न क्या मिल सकता है? पंकज रस्तोगी जी, जहाँ तक दिल्ली NCR में निवेश का सवाल है, पहले आप अपना बजट रेंज अगर फिक्स करें, और अगर हम एज्यूम करें कि आपका बजट रेंज एक 30 लाख से 60 लाख के बीच का है, तो मेरे ख्याल से आपको ग्रेटर नोएडा एरिया में अपना एक चुनाव करना चाहिए। उसके मेरे ख्याल से दो आपको रीजंस हो सकते हैं। एक तो जो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रिटर्न, आपको एक 25 से 30% का कंजर्वेटिव साइड पर रिटर्न आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। दूसरा, टाइमली लगभग 2016 और 17 में आप पोजीशन भी लेने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक वाइबल इन्वेस्टमेंट वो आपके लिए हो सकता है।
तो उम्मीद करते हैं कि पंकज जी आपको अपने बेहतरीन ऑप्शंस मिल गए होंगे। अगला सवाल हमसे पूछ रही है वंदना सिंह है मुंबई से। जी क्या जानना चाहती हैं वंदना? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में या यमुना एक्सप्रेस वे में 2 BHK फ्लैट खरीदना चाह रही हूँ, बट डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी लोकेशन बेस्ट है। वंदना जी, पहले तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। इन दोनों एरियाज में हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहले तो आपका प्रोडक्ट रेंज, बजट रेंज क्या है, उसके आधार पर भी एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। और दूसरा डिफरेंशिएशन होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं वो कब तक आपको डिलीवरी लेने का ज़रूरत है, या आपका प्रोजेक्शन है या आपकी सोच है। यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी जगह है, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वो भी जगह इन मापदंडों पर अच्छी उतरेगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और पॉइंट्स रखूं तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी प्रपोज्ड है, जो एक इस अफोर्डेबल इस रेंज के कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छा, या किसी के लिए भी एक बहुत अच्छा कम्यूनिटी का साधन होता है। और मेरे ख्याल से डेली लाइफ में 2 या 3 चीज़ों की मेन इंपॉर्टेंस होती है, जिनमें से एक कम्यूटिंग, दूसरा मेडिकल एड, तीसरा शॉपिंग एरियाज, और चौथा जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट को हम एक थोड़ा कनेक्टिंग एरिया मान सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक चीज़ और भी इसमें आपको ऐड करने का होगा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको 2016 और 2015 से पोजीशन मिलने स्टार्ट होने की संभावना है। और जिस एरिया में एक बार डिलीवरी इकट्ठे शुरू होती है उन्हीं एरियाज में वसीगत होना संभव होता है। तो वंदना जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक ईमेल हमें भेजा है संजना पटेल है अहमदाबाद से। ये जानना चाहती है मेरा बेटा नोएडा से MBA कर रहा है, उसके लिए मैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदना चाहती हूँ, किस रेंज में मिल जाएगा इनको स्टूडियो अपार्टमेंट? संजना जी, पहले तो मैं आपके इस प्लानिंग के लिए, सोच के लिए आपको गुड विशेस देता हूँ। जहाँ तक स्टूडियो अपार्टमेंट का सवाल है, उसकी रेंज 15 लाख से और 13 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक की रेंज में वेरी करती है। स्टूडियो अपार्टमेंट में भी डिफरेंट कैटेगरीज आप समझ सकते हैं। कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स सर्विसेज के बेस पर ज़्यादा कैटेगराइज किए जाते हैं कि उनमें सर्विसेज किस लेवल की और कितनी आपको प्रोवाइड हो रही हैं, उनके बेसिस पर स्टूडियो की रेंज और कैटेगराइजेशन होता है। दूसरा और मेन पॉइंट लोकेशन का रहता है, एंड डेफिनेटली तीसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का। इसके बेसिस पर और अपनी रेंज के बेसिस पर आप वेरियस प्रोजेक्ट्स ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में स्टडी कर सकते हैं, और दोनों ही जगह स्टूडियो अपार्टमेंट के ऑप्शंस भी सफिशिएंट हैं, और दोनों ही जगह स्टूडियो अपार्टमेंट लेना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपने आपको बताया कि आपके जो बेटे हैं वो नोएडा में MBA कर रहे हैं, तो उनके लिए नियरेस्ट और अप्रोचेबल जगह क्या हो, प्लस जिस एरिया में आप स्टूडियो लेना चाह रहे हो उस एरिया का इन टोटेलिटी डेवलपमेंट इन फ्यूचर क्या प्रपोज्ड है। और एक और ईमेल हमें भेजा है रोहित सक्सेना है पटना से। ये जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक 3 BHK घर NCR में ये बुक कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं इन्होंने पढ़ा है कि रियल स्टेट रेगुलेशन आने के बाद घर खरीदना फायदेमंद रहेगा, क्या रेगुलेशन का इंतजार ये करें या फिर घर बुक करा लें? रोहित जी, आपका सवाल बहुत स्वाभाविक और इंटरेस्टिंग है। सभी लोगों का कहना है कि आज के डेट में निवेश एक अच्छा डिसीजन है फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स ऑल्सो, लॉन्ग टर्म गेन ऑल्सो, एंड ऑल्सो फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब रही बात रेगुलेशन से संबंधित, आज अगर आप उस डिसीजन पर जाते हैं या आज से पहले जाते थे या रेगुलेशन के बाद भी जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपका इंडिविजुअल का एक जिम्मेदारी है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों का, उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कंपनी का कमिटमेंट लेवल, जितने भी प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स अभी तक उन्होंने रखे हों उनके पूरे होने की एफिशिएंसी, उनके फर्दर प्रोजेक्शंस का आपको बखूबी जायज़ा लेना चाहिए एज अ कंज्यूमर ऑल्सो, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो। और आपको ये देखना चाहिए क्या लोग जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो उतने सेल्फ रेगुलेटेड और कमिटेड हैं कि आने वाले समय में रेगुलेशन पर भी और आज भी वो सही उतरेंगे। तो आपका
आज का अपॉर्चुनिटी जो आपको निवेश करने से मिल सकता है वो भी लूज नहीं होगा, आप रेगुलेशन की दृष्टि से सेफ भी रहेंगे, एज वेल कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव किसी भी तरीके का अच्छा आएगा तो वो लोग भी और आप भी साथ में उसका वेलकम करेंगे। तो अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी 24 में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप खरीदना चाहते हैं दुकान, मकान या ऑफिस स्पेस, या फिर डेवलपर्स की मनमानी से आप हो रहे हैं परेशान, तो लिख भेजिए अपना सवाल। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। और इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किस तरह का होमवर्क है आपके लिए जरूरी है।